इसके आगे देखा जाए अगर उत्तराखंड का अपवाह तंत्र, ठीक है, यानी कि रिवर सिस्टम जो है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी एरिया है, तो ज्यादातर हम लोगों का जो नदियां निकलती है कहाँ से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है, ठीक है, तो इसलिए उत्तराखंड में प्रवाह तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रवाह तंत्र में अगर देखा जाए सबसे मेन यानी कि गंगा प्रवाह सबसे फेमस है, गंगा नदी, यानी कि गंगा नदी तो स्टार्टिंग में गंगा नहीं कहलाती, अलग अलग नदियां कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे नदियों को इस इमेज में देखेंगे, उसके बाद हम लोग बड़ी नदी के बारे में फिर इसको और स्टडी करेंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। यानी कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये टोंस नदी है इधर, ये वाली जो पोर्शन लाइन है, ये वाली, ये जो लाइन है आ रहा है, ये टोंस नदी, ये नदी कहाँ पे मिल जा रही, यमुना नदी, यानी कि यमुना नदी कहाँ से निकलता है, यमुनोत्री से निकलता है, ऐसे आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ उत्तराखंड में, उत्तराखंड से बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए, अब सबसे बड़ी नदी जो मतलब कह सकते हैं जिसमें सारे मिल जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे गंगोत्री है, गंगोत्री, अब गंगोत्री से जैसा का यहाँ पे गंगोत्री से निकलता है, इस समय हम लोग इसे भागीरथी नदी कहते हैं, भागीरथी, और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आके मिलती है, किससे, ये देवप्रयाग में आके मिल जाती है, तो यहाँ पे क्या कहलाता है, हाँ, गंगा नदी कहलाता है देवप्रयाग के बाद। तो इसके पहले देखा जाए कि ये गंगा नदी का उद्गम जो माना जाता है, यानी कि इधर देखा जाए गंगोत्री है, यानी कि बेसिकली गोमुख, वहीं से गंगा निकलता है, ऐसे हम लोग बर्फ पढ़ते हैं। ये देखिए केदारनाथ है, केदारनाथ में, और ये मंदाकिनी नदी कहलाता है। अब इधर देखा जाए ये क्या है, धौली गंगा इसे बोल रहे, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, बद्रीनाथ है जहाँ पे लोग जाते हैं घूमने, ठीक है, अलकनंदा नदी है, इसे अलकनंदा कहलाएगा। अब ये नंद प्रयाग और ये नंदाकिनी नदी है, ये वाली नदी नंदाकिनी नदी है, और ये मिल जाता है फिर ये कर्णप्रयाग में, ये पिंडारी नदी से, पिंडर नदी से मिल जाता है, फिर ये रुद्रप्रयाग में मिल जाता है, फिर रुद्रप्रयाग से देवप्रयाग में आता है। तो यहाँ पे ये अलकनंदा नदी कहलाता है, यानी कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिल जाता है, जैसे हम लोग अलकनंदा भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिल जाता है, तो हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी के ट्रिब्यूटरी यानी सब कुछ याद रखना है आगे, यानी रहे गंगा नदी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का, तो ये देखे राम गंगा नदी है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखे गोरी गंगा है, गोरी गंगा, गोरी गंगा राम गंगा अलग है, ठीक है। यहाँ पे सरयू नदी, ये सरयू नदी है, लधिया नदी, लधिया नदी है, और ये गोला नदी है, यहाँ से गोला नदी, तो मतलब छोटी छोटी नदियां यहाँ से सारे नदी लगभग निकल ही रही है। तो अगर देखा जाए उत्तराखंड की प्रमुख झीलें भी हैं यहाँ पे देखे, जैसे उत्तरकाशी में देखा जाए कौन से जिले दो झीलों के लिए जाना जाता है, एक नचिकेता ताल है और केदार ताल है, नचिकेता ताल और केदार ताल अगर पूछा जाए कहाँ पे पाया जाता है, उत्तरकाशी में। देहरादून में देखा जाए चंदवाड़ी ताल है और कासर तोल ताल है, कासर तोल और चंदवाड़ी ताल है, ठीक है। टिहरी गढ़वाल में आ जाते हैं, टिहरी गढ़वाल में सहस्त्र ताल है, अब बासुकी ताल है, भील लंग ताल है, ये सब मतलब ताल है यहाँ पे पाए जाते हैं। रुद्रप्रयाग में देवरिया ताल है और चोरावाड़ी ताल है, या इसी को सर्वाधि भी बोला जाता है, चोरावाड़ी को। देखा जाए चमोली में बहुत सारे ताल है, चबोली में, ठीक, फिर उसके बाद नैनीताल में बहुत सारे ताल है, ठीक है, नैनीताल में अगर देखा जाए बहुत सारे तालों का संगम है, बहुत सारे ताल है। चमोली में भी देखा जाए गोहान ताल है, बेनीताल है, रूपकुंड है, विष्णु ताल है, होमकुंड है, सतोपत सत्यपद है ताल है, काक भुंसड़ी ताल है, ठीक है, ये सारे ताल हैं। अब सुकुंडा ताल है, यानी कि यहाँ पे
बोगेश्वर में, चुकंदा ताल है, अल्मोड़ा में तड़ांग ताल है, और चंपावत में झिलमिल ताल है, श्याम ताल है, चंपावत में झिलमिल ताल और श्याम ताल। ऊधम सिंह नगर में देखा जाए द्रोण ताल है और गिर ताल। बहुत पूछा जाता है द्रोण ताल कहाँ है, ऊधम सिंह नगर में है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में देखा जाए पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल में दुग ताल है, ताराकुंड है, और हरिद्वार में दिव्य सरोवर है। दिव्य सरोवर कहाँ पे है, हरिद्वार में। इस तरह से सारे हमने तालों का पढ़ लिया। नैनीताल कब गए, नैनीताल है, भीमताल, सात ताल है, नकुचिया ताल है, खुरपा ताल है, मलवा ताल है, सूखा ताल है। ये सब मतलब ताल बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के ही रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आगे चलते हैं। तो सबसे देखिए पहला ही क्वेश्चन आ गया नचिकेता ताल। अभी हमने पढ़ा था नचिकेला ताल कहाँ पे, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में देखा जाए दो ताल है, एक हमारे पास क्या है नचिकेता ताल है और दूसरा केदार ताल है। ठीक है, तो उत्तरकाशी में ही नचिकेता ताल है, ये अभी रिसेंट ईयर में आया हुआ था क्वेश्चन। तो नचिकेता ताल सिचुएटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, तो किसे है, उत्तरकाशी में। तो अगर देखा जाए ये नचिकेता ताल, इसमें नाग पंचमी के दौरान ग्रामीण इसमें क्या करते हैं, ताल में पवित्र स्नान करते हैं, और 2453 मीटर की ऊंचाई पे है। दूसरा क्वेश्चन अब देखा है, डाकर यानी मतलब कि बेसरी, डोकर यानी डो, और ये थोड़ा सा कट गया, करी यानी डोकर यानी यहाँ पे लिखा है डोकर यानी ग्लेशियर इज सिचुएटेड। अब ग्लेशियर देखा पूछा गया, तो डोकर यानी ग्लेशियर जो है ये बेसिकली भागीरथी बेसिन पे स्थित है और उत्तरकाशी में होगा उत्तराखंड के, और गढ़वाल हिमालय के रूप में यानी कि कह सकते हैं भागीरथी बेसिन में पाया जाता है। कौन सा, डोगर यानी ग्लेशियर्स। डोगर यानी ग्लेशियर्स कहाँ पे है, डोकर यानी ग्लेशियर्स कहाँ पे है, तो ये भागीरथी बेसिन पे है। ठीक है, इसके अब देखिए डोकर यानी ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन, ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी, यानी कि डोकर यानी हिमनंद कहाँ पे है, तो ये भी वही चीज है भागी पृथ्वी बेसन में। चलिए अब देखिए कूफी कूफी कूफीनी नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है, कूफनी नदी। ठीक है, अब कूफनी नदी किसकी सहायक नदी है, तो पिंडार, ऊपर हमने देखा था पिंडार, तो कूफनी नदी क्या है, पिंडार की एक सहायक नदी है, और कूफी नदी क्या है, कफनी ग्लेशियर से निकलती है। कूफी नदी है कहाँ से निकलती है, कफनी ग्लेशियर से, इसीलिए कफ नी ग्लेशियर से निकलती है, कौन सी, कूफी नदी। तो कूफी नदी कफनी ग्लेशियर से निकलती है और किसकी सहायक नदी है, तो पिंडार की सहायक नदी है। किसकी है, पिंडार की सहायक नदी है, तो सेकंड है, और उत्तराखंड के हुमायूं के बागेश्वर मतलब डिस्ट्रिक्ट में एक पाया जाता है। अब देखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हॉट स्प्रिंग, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत के उद्गमित होती है, गर्म जल, तो यमुना, यमुना, यमुना कहाँ से उद्गित होता है, यमुनोत्री से, यमुनोत्री, और यमुनोत्री में एक गर्म पानी का कुंड है, इस कुंड को क्या कहते हैं, इस कुंड को सूर्य कुंड कहते हैं, गर्म पानी, क्योंकि सन वाला, सन क्या होता है, गर्म होता है, तो मतलब गर्म से रिलेटेड, तो सन सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है, और सूर्य कुंड के पानी इतना गर्म होता है लोग इसमें मतलब कह सकते हैं चाय और आसानी से चावल वगैरह पका सकते हैं, यानी कि 88 डिग्री सेल्सियस तक होता अनुमान। तो ये यमुनोत्री यहाँ पे सूर्य कुंड से निकलती है, यमुनोत्री से निकलता है यमुना नदी। ठीक है, तो यमुना नदी के बारे में ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिवर ऑफ उत्तराखंड स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, लेंथ के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में, लेकिन अब उत्तराखंड में सबसे बड़ी नदी कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट,
तो सबसे बड़ी नदी उत्तराखंड में कौन सी है? काली नदी है। कौन सी है? काली नदी। तो काली नदी अगर देखा जाए तो इसका लंबाई कितना है? काली नदी की 252 किलोमीटर। 252 किलोमीटर काली नदी की है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसमें आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में यही सबसे इंक्रीजिंग है, सेकंड ही, तो काली नदी। उसके बाद देखा जाए, काली नदी के बाद दो जो सेकंड है भागीरथी नदी, एक कई बार क्वेश्चन ऊपर भी हम लोग कर चुके हैं, भागीरथी नदी यानी कि तीसरा हो गया। उसके भागीरथी नदी की अगर देखा जाए लेंथ कितनी है? 205 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए भागीरथी नदी के बाद काली नदी, काली नदी सॉरी भागीर सबसे बड़ा काली नदी हो गया, उसके बाद भागीरथी नदी हो गया, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा नदी है, अलकनंदा, अलकनंदा जब मिलती है किससे, ठीक है, भागीरथी से, और तब कहाँ पे? देवप्रयाग में, ठीक है, ये दोनों मिलते हैं तो गंगा नदी बनती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अलकनंदा नदी की लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। कोसी नदी की 168 किलोमीटर। तो यहाँ पे पहला आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखा जाए ये सत्तो पंत यानी ग्लेशियर का नाम ऐसा ही रहता है, सत्तो पंत ग्लेशियर, यानी कि सत्तो पंत ग्लेशियर इज ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो सत्तो पंत ग्लेशियर जो अलकनंदा नदी से ओरिजिनेट होता है, तो अलकनंदा नदी हो गया, ये याद रहना चाहिए आपको। और ये चमोली के उत्तरी भाग में सत्तो पंत शिखर है, जो देखा जाए भागीरथी नदी की अभी हम लोग बात किए थे, तो कितना भागीरथी नदी कितनी लंबाई थी उसकी, भागीरथी नदी कितनी थी? लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए जो सत्तो पंत ग्लेशियर है वो अलकनंदा रिवर से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक सिचुएटेड इन गढ़वाल एरिया, निम्नलिखित में से कौन से झील गढ़वाल क्षेत्र के है? तो गढ़वाल क्षेत्र के अभी हमने बहुत सारा झील की बातें की हैं, तो गढ़वाल क्षेत्र में तो बहुत सारे झील हैं, कुछ झीलें हम लोग गिना, जैसे गढ़वाल क्षेत्र के सर्वाधिक झील है यानी कि जो ताल है झील चमोली जिला में पाया जाता है, और बिष्णु ताल जो है, बिष्णु ताल जो चमोली यानी कि बद्रीनाथ के पास जिले में स्थित है, और गढ़वाल क्षेत्र में झील यानी कि बिष्णु ताल यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिष्णु ताल गढ़वाल एरिया का, और गढ़वाल एरिया के कुछ और भी हम लोग झीले ऊपर पढ़े थे, जैसे सहस्त्र ताल, यम ताल, होम कुंड, और आते हैं बेनी बेनी ताल, लोकपाल, इसे हेमकुंड भी बोलते हैं, हेमकुंड, लोकपाल, हेमकुंड, सुख ताल, नचिकेता ताल, केता, ताल। अब ये सर देखिए, नचिकेता ये गढ़वाल एरिया के है, गढ़वाल हमारे पास उत्तराखंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, गढ़वाल एरिया और कुमाऊं एरिया। गढ़वाल एरिया में 7 डिस्ट्रिक्ट है, कुमाऊं एरिया में कितने हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट है। तो उसमें जैसे नचिकेता ताल तो देखा जाए अभी उत्तरकाशी की हम लोग बात किए तो वहां पे है, ठीक है। तो लेकिन वो गढ़वाल एरिया में आएगा। इसके बाद विच रिवर कन्फ्लुएंस भागीरथी एट लंका, ठीक है, लंका नामक स्थान उत्तरकाशी जनपद में, देखिए उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान पर भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? तो उत्तरकाशी में भागीरथी नदी से किस गंगा ड्रेनेज वाले पार्ट से अगर देखा जाए बेसिकली होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि उत्तरकाशी नदी में, अरे उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान पे, लंका वहां पे एक प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है, और भागीरथी वहां पे नदी से किस नदी से मिलती है, के स्थान पे भागीरथी नदी से किस नदी का
का मिलन होता है। तो बेसिकली किस नदी का मिलन होता है, तो जाह्नवी नदी का मिलन होता है, जाह्नवी नदी। और ये जाह्नवी नदी कहाँ, तिब्बत माना दर्रा से निकल के आता है, आरम्भ होके आता है। और यह नदी उत्तरकाशी जिले में यानी कि भैरव घाटी जिसे हम लोग लंका बोल रहे हैं उसको भैरव घाटी बोला जाता है, भैरव घाटी, तो उस जगह पे मिलती है भैरव घाटी, ठीक है। तो उसे हम लोग कौन सी नदी मिलती है, जाह्नवी नदी मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं, लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तराखंड इज। अब लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम कौन है, गंगा ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली कौन है, गंगा प्रवाह, क्योंकि उसमें बहुत सारे नदियां मिलती हैं, अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यानी कि निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली अंतिम नदी, पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली अंतिम नदी लादिया नदी है, लादिया नदी, पश्चिम से पूरब बहने वाली अंतिम नदी जिसे लादिया नदी बोलते हैं। और लादिया नदी उत्तराखंड में पश्चिम से पूरब बहने वाली अंतिम नदी है, यह काली की सहायक नदी है, काली नदी में यह चूका चंपावत में के पास जाके मिल जाती है, ठीक है। अब देखा जाए अटांगा सहायक नदी, अटांगा, अब अटांग आटा गांड, आटा गांड यानी कि आटा गांड सहायक नदी, ये कहाँ पे है, तो आप बता सकते हैं इसमें, पिंडार नदी के पास है, उसकी सहायक नदी है, यानी कि आटा गांड नदी जो है दूधा ताल से निकलती है और कहाँ पे, शिमली चमोली में पिंडार से मिल जाती है। कहाँ पे मिलते हैं, चमोली में, चमोली में शिमली जगह है, शिमली के पास जाके मिल जाती है। दूसरा, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, दूनागिरी ग्लेशियर, अब जैसे दूनागिरी ग्लेशियर से तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। और बेसिकली गंगोत्री ग्लेशियर्स भी कहा जाता है। तो ओरिजिन ऑफ द ईस्टर्न रामगंगा रिवर इज, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम तो नामिक ग्लेशियर से होता है, नामिक ग्लेशियर से ही पूर्वी पिथौरागढ़ जिले के नामिक ग्लेशियर से, यानी कि ये नामिक ग्लेशियर है, ये कहाँ पे आता है, पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में नामिक से ही क्या निकलता है, रामगंगा निकलता है, राम गंगा रिवर निकलता है, ठीक है, नामिक ग्लेशियर से निकलता है। आगे झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में पाया जाता है, ताल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो झिलमिल ताल चंपावत में पाया जाता है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में झिलमिल ताल पाया जाता है। और झिलमिल ताल उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है, चंपावत में और भी यहाँ पे झीले को होता था, हमने ऊपर बताया था श्याम श्याम ताल भी कहते हैं, श्याम ताल भी उत्तराखंड के चंपावत में पाया जाता है, श्याम ताल, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग द लेक लोकेटेड नियर नंदा देवी टेम्पल, नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल, नंदा देवी मंदिर के निकट कौन सा ताल है, तो बेनी ताल है, बेनी ताल, यानी कि नंदा देवी मंदिर जो है कहाँ पे पाया जाता है, नंदा देवी मंदिर चमोली में, चमोली, और चमोली में किस जगह, यानी कि कह सकते हैं चमोली में पाया जाता है, और ऋषि गंगा घाटी से पश्चिम में तथा गौरी गंगा से पूरब में स्थित होता है नंदा देवी मंदिर, या बेनीताल भी कहते हैं इसे, बेनीताल पाया जाता है, ठीक है, के पास। काठ गोदाम किस नदी के तट पे बसा है, काठ गोदाम आप जानते हैं, काठ गोदाम, तो काठ गोदाम यहाँ पे गौला गौला नदी के पास तट पे है। काठ गोदाम की तलहटी भावर क्षेत्र में स्थित है, सबसे मनोरम स्थानों में एक है काठ गोदाम, गोला नदी गौला नदी के तट पर है। यह शहर हिंदू देवी काली यानी कि चौदह और शीतला देवी के लिए फेमस है, शीतल देवी को समर्पित प्रमुख मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं,
काठगोदाम किस नदी पे बसा? यही गौला हो गया, रिपीटर हो गया। अब आगे आते हैं क्वेश्चन। अब देखा जाए क्वेश्चन, इसके आगे हम लोग बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे हो जाएगा, बद्रीनाथ की बात कहा जाए। ठीक है, तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे हो जाएगा, बद्रीनाथ हो गया। और उसके बाद देखा जाए डोकरानी हिमनंद कहाँ पे है? बद्रीनाथ हो गया, डोकरानी हो गया, डोकरानी हिमनंद, बद्रीनाथ हिमनंद। अलकनंदा हो गया, बद्रीनाथ, अब बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बताइए बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है? तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम लोग यहाँ पे अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ये तो हम लोग पढ़े। बद्रीनाथ उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है, और बेसिकली ये चारों धाम में आता है। चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब हैं, और इसे अलकनंदा नदी के किनारे है। दूसरा देखा है डोकरानी हिमनंद किस जनपद में स्थित है? डोकरानी हिमनंद तो उत्तरकाशी के जनपद में है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर जो है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, बार बार आता है डोकरानी हिमनंद हो गया ग्लेशियर, तो हीरा हीरा मणि, हीरा मणि कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में हीरा मणि है। यमुनोत्री उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तर काशी में यमुनोत्री है। गंगोत्री ग्लेशियर ये भी उत्तर काशी में है। ठीक है, बंदरपूछ ग्लेशियर ये भी उत्तर काशी में है। तो उत्तर काशी में बहुत से, और खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है, टिहरी, और एंड कह सकते हैं रुद्रप्रयाग, प्रयाग में है। तो अलग, उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत्वाहिनी नदी, सबसे लंबी तो काली नदी है, पहले लिपुलेख से लेकर टनकपुर तक पाया जाता है, तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी के कैटेगरी में आता है। तो अभी हम लोग ऊपर डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखे थे, तो काली नदी है। निम्न में से एक गलत सम्मिलित है, उसे बताइए। गलत तो बेसिकली यहाँ पे जैसे सूखा ताल, सूखा ताल तो नैनीताल में पाया जाता है, ये तो सही है, हमें रॉन्ग बताना है। द्रोण सागर जो है ये ऊधम सिंह नगर में पाया जाता है, अभी हमने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऊधम सिंह डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ऊधम सिंह नगर में। ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट ऐसे है ऊधम सिंह नगर, तो वहां पे पाया जाता है द्रोण सागर। अब द्रोण सागर ऊधम सिंह में है, तो यही आंसर हो गया। विष्णु ताल चमोली में है, सही है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, सॉरी, केदारनाथ यहाँ पे क्या है, उत्तरकाशी के पास है केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ भी अगर देखा जाते हैं थोड़ा, केदारनाथ उत्तरकाशी के रुद्रप्रयाग में, ये चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। आगे चलते हैं, यानी कि मिलम एक है, मिलम क्या है, ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर है, ऐसे आपको मिल जाता है। और मिलम ग्लेशियर कहाँ पे पाया जाता है? ये मिलम ग्लेशियर जो है ये बेसिकली कहाँ पे है, गौरी गंगा में, गौरी गंगा नदी के पास, नदी, और काली नदी की एक सहायक नदी आप जान ही रहे हैं, गौरी गंगा। बागेश्वर जिले में निम्न में से कौन सा ग्लेशियर स्थित है? बागेश्वर, तो पिंडारी ग्लेशियर, कफनी है, मैकी ताल है,
ये सब पाए जाते हैं। और भी बागेश्वर में है, जैसे पिंडारी, कफनी और मैकी ताल तो हैं, इनके अगर अलावा सुख राम ग्लेशियर भी है, और भी है, यानी कि सुंदर डूंगी भी है, सुंदर डूंगी भी है। तो ये सब ग्लेशियर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में नानक सागर, उत्तराखंड में नानक सागर स्थित है, तो ऊधम सिंह नगर में नानक सागर स्थित है, ठीक है, उत्तर मतलब ऊधम सिंह नगर। आगे आते हैं, धौली गंगा तथा काली गंगा नदी का संगम बनता है। धौली गंगा काली गंगा जब जुड़ती है तो क्या होता है, खेला होता है, ठीक है। धौली गंगा और काली गंगा का संगम खेला नामक स्थान पे होता है। ऐसे धौली गंगा और काली गंगा मिलती हैं तो खेला होता है, ऐसे याद कर सकते हैं, खेला नामक स्थान पे होता है। और काली नदी, अब जैसे यहाँ पे कुछ और हमारे पास दिया, जैसे काली नदी, काली पर सरयू जब मिलते हैं कहाँ पे, पंचेश्वर में मिलती है। और काली प्लस लाधिया, लाधिया नदी मिलती है तो ये चूका में मिलती है, ठीक है। काली प्लस गौरी गंगा मिलती है, गौरी गंगा तो ये कहाँ पे, यानी कि जौलन जीबी में मिलते हैं, जीबी जौलन जीबी में मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जोगेश्वर, यानी कि जागेश्वर है, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे पर है? तो जागेश्वर धाम जटा गंगा के पास पाया जाता है, जटा गंगा के पास, और जटा गंगा जागेश्वर धाम के पास स्थित है। और एक बेसिकली वो अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर है ये केवल, ठीक है। आगे चलते हैं, लदिया सहायक नदी है। लदिया किसके सहायक नदी है? काली के सहायक नदी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो लदिया किसके सहायक नदी है? काली की सहायक नदी है। आगे, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोदर गार्ड के संगम का अवस्थित है? तो लाखा मंडल है, अवस्थित कहाँ पे, लाखा मंडल है, तो ये आपको लाखा मंडल याद रखना होगा। उसके बाद आते हैं बासुकी ताल, बासुकी ताल कहाँ पे है? केदारनाथ के निकट है, बास निकट में है बासुकी ताल। ये बासुकी ताल केदारनाथ से 8 किलोमीटर दूर है, और यह झील हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है। उत्तराखंड में महत्वपूर्ण एक पर्यटक स्थल भी है बासुकी ताल, बासुकी ताल बहुत लोग जाते हैं घूमने। अलकनंदा एवं धौली गंगा का संगम स्थल कौन सा है? अलकनंदा और धौली गंगा का तो विष्णुप्रयाग है। संगम वाला बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो विष्णुप्रयाग में, जैसे अभी हमने विष्णुप्रयाग में किसका मतलब संगम स्थल है? अलकनंदा एंड धौली गंगा का, ठीक है, इसका है। उसके बाद देखा जाए नंद नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी का है, अलक नंदा एंड नंदाकिनी का है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कर्ण प्रयाग तो अलकनंदा नंदर एवं पिंडर का रुद्रप्रयाग प्रयाग तो अलकनंदर और मंदाकिनी का है, एंड मंदाकिनी अलकनंदा मंदाकिनी। देवप्रयाग आप जानते हैं, अलकनंदा और भागीरथी का, जहां से गंगा कहलाती है, आगे बढ़ के अलक नंदा एंड भागीरथी। तो
इसमें देखा जाए अलकनंदा सब में, अलकनंदा धौली गंगा में मिल जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विष्णुप्रयाग के जगह पे मिलता है, ठीक है। अलकनंदा नंदा कानी में मिलता है, कहाँ पे, नंद प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में, देखो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इस तरह से है। तो इसमें धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर हो गया, मंदाकिनी और भागीरथी हो गया, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन मिलना आता है, ठीक है। तो भेलछड़ा प्रपात स्थित है, भेलछड़ा प्रपात जो है जनपद पिथौरागढ़ में है, और पिथौरा है नेपाल की सीमा के निकट है लगभग, भेलछड़ा। बिरही गंगा किस नदी जल प्रवाह के क्षेत्र में है, तो बिरही किस पे है, भागीरथी अलकनंदा के क्षेत्र में है, तो ये बिरही, ठीक है। उसके बाद देखा, निम्न में से किस झील की गहराई सर्वाधिक है, तो किस झील की गहराई सबसे ज्यादा है, तो सात ताल, सात ताल इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, और सात ताल कुमायूं क्षेत्र में सबसे सुंदर झील के रूप में जाना जाता है, और इसकी जो अगर देखा जाए चौड़ाई गहराई सब मिलाकर, चौड़ाई तो 3,000 मीटर है, अरे चौड़ाई 200 मीटर है, लंबाई 3,000 है, मतलब इसकी लंबाई जो है, लंबाई ठीक है 3,000 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर, ठीक है, और गहराई जो है, गहराई देखिए 19 मीटर गहरा है, बाप रे दादा, ठीक है। तो ये सारे मतलब यहाँ पे सात ताल की गहराई बहुत ज्यादा है। उसके बाद ऐतिहासिक स्थल लख उडियार किस नदी के तट पर है, लख उडियार, लख उडियार क्या है, ये उत्तराखंड राज्य के कुमायूं मंडल में अल्मोड़ा सेराघाट मार्ग पर एक प्राचीन गुफा है, यह सुयाल नदी के तट पर है, यानी कि सुयाल नदी के तट पर क्या है, लख उडियार है। यह गुफाओं के भीतर एक विशाल चट्टान पर प्राचीन चित्र देखा जाता है, जो मतलब आदि मानव को मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं रिप्रेजेंट करता है। लख उडियार किस नदी के पास है, तो सुयाल नदी है, उसी के तट पे, बहुत फेमस आर्ट और कल्चर में क्वेश्चन आता है, लख उडियार कहाँ पे, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कहाँ पे, तो कुमायूं मंडल के अल्मोड़ा और सेरा घाट मार्ग पर, अल्मोड़ा और सेरा घाट मार्ग पे क्या है, लख उडियार है, और ये सुयाल नदी के तट पे है। दुग्ध ताल कहाँ स्थित है, तो पौड़ी में स्थित है, यानी कि दुग्ध ताल पौड़ी में स्थित है, जो गढ़वाल जनपद में है, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो इसमें देखा जाए जो दूधा तोली शिखर है, गढ़वाल जनपद में है, सही है, दूधा तोली गढ़वाल जनपद, भागीरथी नदी टेहरी बांध पे है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए जो यानी कि खलिंग ग्लेशियर है टेहरी गढ़वाल में, रूपकुंड, रूपकुंड भाई अब बागेश्वर में नहीं है, रूपकुंड चमोली में है, चमोली में रूपकुंड है, तो इसलिए यही गलत हो गया, तो यही आंसर हो गया। आगे उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमायूं के राजा युद्धरत रहते थे, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी हो गया, यानी कि पश्चिमी राम गंगा के लिए, यानी कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में, ठीक है, दूधा टोली पर्वतमाला से पश्चिम राम गंगा नदी निकलती है, दूधा टोली कहाँ से निकलती है, दूधा टोली पर्वतमाला से पश्चिम रामगंगा नदी निकलती है, और रामगंगा नदी कुमायूं हिमालय दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, और रामगंगा नदी ही एक सहायक नदी है, पश्चिम रामगंगा सीमा हेतु गढ़वाल एवं कुमायूं के राजा लगभग हमेशा युद्ध करते रहते थे उसके सीमा के लिए। सही युग्म का चयन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए, तो सही युग्म का चयन देखा जाए तो इसमें सारे लगभग सही हैं युग्म, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, सही है, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है,
संतोपत ग्लेशियर चमोली में सारे ग्लेशियर हैं और इनके बारे में ये सारा पूरा मिला हुआ है, यानी कि उपयुक्त सभी मिले हैं। गंगोत्री उत्तरकाशी में, मिलिम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, संतोपत ग्लेशियर चमोली में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी फूलों के घाटी से होकर बहती है? तो बता सकते कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? तो ये पुष्पावती नदी जो है फूलों की घाटी से होकर बहती है, और पुष्पावती नदी फूलों के घाटी से होकर बहती है और गढ़वाल क्षेत्र से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित ठीक है में से गलत युग्म चुनिए। ठीक है, तो इसमें देखा था डोडी ताल, डोडी ताल तो भैया उत्तरकाशी में ऐसा ही है। ठीक है, और बेनीताल चमोली में ये भी सही है। ठीक है, और बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए देवरिया ताल टिहरी में नहीं पाया जाता, यानी कि देवरिया ताल भारत के उत्तराखंड राज्य में उर्मी चोपाता मार्ग पे स्थित है। ठीक है, तो ये बेसिकली डोडी देवरिया ताल यहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो बासुकी ताल, ये सब तो नैनी ताल, ये सब तो बहुत सारे हैं ही हैं, तो ये हमारे पास बी आंसर ही यहाँ पे सही होता है। चौरीवाड़ी, चौरा बाड़ी हिमनंद कहाँ पे है? तो चौरा बाड़ी हिमनंद कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में है। चौरा बाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है, जो मतलब यहाँ पे रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड में पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से यानी कि वेस्ट टू ईस्ट बहने वाली नदी का क्रम, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसमें टोंस है, भागीरथी है, अलकनंदा, सरयू, काली है, तो यही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब की तरफ, तो उत्तराखंड में। और बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बाल गंगा तो भील लंगना का एक सहायक नदी है, भीलंगना। ठीक है, और एक खटलिंग ग्लेशियर से निकलती है, आप समझ सकते हैं। दूसरा न लद मयंती जो है ताल किस जनपद में स्थित है? तो ये नैनीताल में है, यानी कि नल दमयंती ताल नैनीताल में बहुत सारे ताल हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए जो नाम है बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नल और मतलब राजा नल थे, रानी दंपति थे, इन्हीं के नाम पर नल दमयंती यानी कि ताल पड़ा हुआ है समाधि के पास, इस आकार का पंचकोणी मतलब आकार है, उसी के नाम से इसमें। और यहाँ ताल के किनारे एक शिव मंदिर भी है, आप जानते होंगे अगर घूमने गए होंगे, पंचकोणी है। और ये नल मतलब राजा का नाम और दमयंती रानी का नाम था, नल राजा, इसीलिए इसका नाम नल दमयंती ताल भी कहा जाता है, नैनीताल में पाया जाता है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ठीक है, तो यह गंगोत्री वही गोमुख वाला सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये 30 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर की है, तो ये पूरा पाया जाता है। ठीक है, गोमुख, यहाँ से गंगा नदी, बेसिकली गंगा नदी का उद्गम होता है। उत्तराखंड के सरयू एवं गोमती नदी के तट पर बसा नगर कौन सा है? सरयू और एवं गोमती नदी पर बागेश्वर है। ठीक है, यही नचिकेता ताल निम्न में से किस जिला में है? तो कई बार आ चुका है, उत्तरकाशी में है नचिकेता ताल। ठीक है, और भी नचिकेता ताल के अलावा भी एक दो ताल वहां पे हैं। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था। निम्न में से कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है? कौन सा जलाशय? तो यानी कि उत्तराखंड में तो नानक सागर भी है, बेगुल भी है और हरिपुरा भी है।
तो बहुत सारे इसमें उत्तराखंड में जलाशय है, तो ये सारे सही हैं। यानी कफनी ग्लेशियर कहाँ पे है? कफनी ग्लेशियर अभी हमने पढ़ा था उत्तरकाशी में, कफनी ग्लेशियर है, ठीक है। गौला नदी कौन सा शहर स्थित है? गौला नदी पे कौन सा शहर स्थित है? तो हल्द्वानी नदी, अरे सॉरी, हल्द्वानी जो गौला नदी के पास स्थित है। और ये गौला नदी भारत मतलब उत्तराखंड से राज्य से निकल जाती है, और उत्तराखंड से निकल के ये बरेली में रामगंगा से मिल जाती है। उत्तराखंड का हल्द्वानी इसी पे है, ठीक है, रामगंगा में जाके मिल जाती है तो गौला। इसके बाद देखा जाए दूधी दूधा तोली, दूधा तोली श्रेणी निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम है? दूधा तोली, तो दूधा तोली देखा जाए पूर्व नयार पश्चिम का है, यानी कि दूधा तोली गैर हिमनद यानी कि 12 मासी नदियों का स्रोत है, जो नयार ईस्ट और नयार वेस्ट के और रामगंगा पश्चिम प्रमुख है। दूधा तोली उत्तराखंड के पामेर भी कहा जाता है। दूधा तोली भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में एक पहाड़ी व वन भू क्षेत्र है। तो ये पूर्व नयार और पश्चिम, ये सारे इसमें दूधा तोली का है। केदारनाथ क्षेत्र में गांधी सरोवर को जाना जाता है। केदारनाथ क्षेत्र में अगर देखा जाए गांधी सरोवर को जाना जाता है, केदारनाथ क्षेत्र में गांधी सरोवर को जाना जाता है क्या? चौराबाड़ी, इसे चौराबाड़ी कहते हैं। और केदारनाथ क्षेत्र में गांधी सरोवर चौराबाड़ी ताल के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और कत्यूरी शैली में निर्मित यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है, और मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था, ठीक है। और इसीलिए वो किसमें आ जाता है आपका, भाई चारों धाम वाला डोडी ताल स्थित है। डोडी ताल कई बार आया, उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। मनमोहक ताल है, खूबसूरत है। कीर्ति ग्लेशियर है, कीर्ति ग्लेशियर तो जनपद उत्तरकाशी में ही कीर्ति ग्लेशियर भी है, ठीक है। और प्रसिद्ध गर्जिया देवी, गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे पर है? तो कोसी नदी के किनारे पर है गर्जिया। आगे सुंदर डूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? सुंदर डूंगा तो ये बागेश्वर जनपद में स्थित है, ठीक है। जाह्नवी नदी निम्न में से किस मुख्य नदी से संबंधित है? जाह्नवी नदी, जाह्नवी नदी भागीरथी से निर्मित है, मतलब कि उप नदी के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सा है? तो उत्तराखंड की सबसे गहरी झील, एक तो हम लोग 7 ताल वाला पढ़े थे, दूसरा इसमें नौकचिया ताल भी, नौकचिया ताल। और नौकचिया ताल में कहाँ पे है? नैनीताल यानी भीमताल, नैनीताल तो नहीं, नौकचिया उत्तराखंड के सबसे गहरी झील है। यह नैनीताल व भीमताल के मध्य स्थित है, ठीक है। नैनीताल और भीमताल के बीच में नौकचिया ताल है, नौकचिया ताल इसलिए बहुत गहरा है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखा जाए 1120 मीटर है। यह झील 9 कोनों से सुसज्जित है, इसीलिए इसके नौकचिया ताल भी कह सकते हैं। 9 कोना होता है, 9 कॉर्नर, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है। इसके सही उगम चुनिए, सही उगम देखा जाए अब इसमें बताना है तो, यानी कि क्वेश्चन काली नदी लिपुलेख सही है, लिपुलेख से ही निकलता बीच से, और भागीरथी गोमुख से निकलता है, तो सही हो गया उपरोक्त दोनों सही है, ये आंसर हो गया। उसके बाद सोन प्रयाग, यानी कि कह सकते हैं सोन प्रयाग में, सोन प्रयाग में सोन गंगा नदी का संगम है, तो मंदाकिनी है, ठीक है, मंदाकिनी है। काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ स्थित है? काली और गोरी तो जौलजीबी पे ही काली और गोरी नदियों का संगम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जौलजीबी, ठीक है। नानक सागर किस जनपद में है? कई बार आया उधम सिंह नगर में, ठीक है, नानक सागर गोरी नदी पे है। जौलजीब मेलाकिन किन नदियों के संगम पे होती है? तो अभी हमने पढ़ा था जौलजीब
किस नदियों के संगम से, यानी किसी काली और गोरी नदी के संगम पे है? तो यही किन किन नदियों के संगम है, काली नदी और गोरी नदी मिलती है, तो जौली जी मेला वहीं पे लगता है। उत्तराखंड, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी? तो वही है, आप जान ही रहे हैं, काली नदी है, कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में रिवर सॉफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सा, रिवर सॉफ्टिंग के लिए कौन सी नदी ज्यादा प्रसिद्ध है? गंगा नदी, रिवर सॉफ्टिंग, ठीक है। तो इसके अलकनंदा मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ पे? देवप्रयाग में होता है, ठीक है। अलकनंदा, हाँ सॉरी, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, सॉरी सॉरी, रुद्रप्रयाग में होता है। और देवप्रयाग में कौन सा मिलता है? देव टेरी गढ़वाल, अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा नदी बनाती है, यानी कि विष्णु प्रयाग चमोली स्थान पे है और अलकनंदा धौली गंगा मिलता है, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी मिलती है, ठीक है, जैसा आंसर है। नंद प्रयाग में, चमोली में नंद प्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी मिलता है, कर्ण प्रयाग में चमोली में कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडारी, और देव प्रयाग टेहरी गढ़वाल में, ठीक, अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा नदी कहलाता है, ठीक है। और खतलिंग हिमनंद उद्गम है, तो खतलिंग भील गंगा नदी का उद्गम एक तरह से है। किस स्थान पर भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बहुत फेमस है, तो देव प्रयाग है, यानी कि भागीरथी अलकनंदा मिलता है कहाँ पे? देव प्रयाग में, तो वो क्या कहलाता है नदी, दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? गंगा नदी कहलाते हैं। आगे, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो मंदाकिनी नदी केदारनाथ से चल के रुद्रप्रयाग तक बहती है। राम गंगा किस पर्वत से निकलती है? राम गंगा किस पर्वत से निकलती है? तो दुधा टोली पर्वत से निकलती है गाम राम गंगा। इसके बाद मंदाकिनी नदी निम्न में से कहाँ से बहती है? मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है, ठीक है। उसके बाद रालम कफनी, और देखा जाए रालम कफनी पोटिंग नामिक, ये सब मतलब कहाँ पे है? ग्लेशियर्स हैं ये सारे, मतलब ऐसे नाम मिले तो समझ लिया ग्लेशियर्स हैं। तो आसान नदी एक सहायक नदी है, आसान नदी एक सहायक नदी है किसकी? यमुना नदी की। आसान यानी कि कहाँ पे है? आसान नदी का उद्गम कहाँ पे है? देहरादून के असरोड़ी दोहरी मार्ग से होता है, असरोड़ी, असरोड़ी देहरा देहरा मार्ग के पश्चिम से होता है, या यमुना में संगम रामपुर पैड़ी देहरादून में मिल जाती है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। निम्न में से अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? अलकनंदा की सहायक नदी कौन नहीं? भील गंगा नहीं है, बाकी इसमें पिंडर भी है, ठीक है, मंदाकिनी भी है और नंदनकानी भी है, ये सब अलकनंदा से मतलब मिल मिल के अलग अलग नदियां कहलाती हैं। अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती और ऋषि गंगा और लक्ष्मण गंगा, पश्चिमी दौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडर पिंडर नदी हो गया, मंदाकिनी हो गया, ये सब, ठीक है। आगे चलते हैं, रूपकुंड ताल, यानी कि रूपकुंड ताल चमोली में पाया जाता है, आप जानिए रूपकुंड ताल, यानी कि देवाल दिशा विकास खंड में पाया जाता है, रहस्यमय ताल कहते हैं, बदलता रहता है, इसमें नर कंकाल मिले हैं जो रहस्यमयी बनाती हैं, ठीक है। सुसवा किसकी सहायक नदी है? सुसवा तो यानी कि सोंग नदी की एक सहायक नदी है, सुसवा, तो सुसवा सोंग नदी की एक सहायक नदी है। अब देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन प्रयाग, सोन प्रयाग सोन गंगा है, यानी कि मंदाकिनी नदी सोन गंगा नदी से मिलती है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी के सहायक नदी है, देव प्रयाग में मिलकर भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करता है। चौराबाड़ी ग्लेशियर्स मंदाकिनी नदी का एकमात्र क्या है? सोर्स है। आगे चलता पुष्पावती नदी, अब देखा जाए पुष्पावती नदी
कहाँ, फूलों की घाटी में, अभी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि पुष्पावती नदी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चमोली से होकर बहती है, यानी कि फूलों की घाटी से होकर पुष्पावती नदी बहती है, या फूलों की घाटी से होकर बहती है। यह नदी क्या होगा, रतन वन के पास यानी कि पूर्व कामेंग ग्लेशियर से निकलती है। पुष्पावती और भयांदर नदी मिलने पर लक्ष्मण गंगा नदी का निर्माण होता है, लक्ष्मण गंगा नदी का। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में मिस्ट्री ताल बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्ट्री ताल के नाम से जाना जाता है। मिस्ट्री ताल उसे कहते हैं जो रूपकुंड, यानी कि मिस्ट्री ताल के नाम से रूपकुंड को ही बोलते हैं, जिसमें झील नंदा गुटी और शिखर क्या है तलहटी में स्थित है और सदैव बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। और यह झील अपने किनारे पर पाए गए 500 से अधिक मानव कंकाल के कारण इसे हम लोग कहते हैं मिस्ट्री नदी, ठीक है। क्या मिस्ट्री है इसका मतलब, रूपकुंड में, रूपकुंड आप जान ही रहे कहाँ पे है। निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, रुद्रप्रयाग चौराबाड़ी है ये, रुद्रप्रयाग में स्थित है। आगे, रूपकुंड को किस और नाम से जाना जाता है, जैसे एक हम लोग पढ़े थे अभी रहस्य मिस्ट्री ताल, यानी कि रहस्य ताल भी बोल सकते हैं, उसी का एक सिनोनिम्स हो गया। आगे, केदारनाथ से संबंधित झील को का नाम क्या है, केदारनाथ से संबंधित झील का नाम का चौराबाड़ी झील कहलाता है। किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है, तो भागीरथी अलकनंदा को सास बहू नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। खेड़ा ताल, खेड़ा ताल कहाँ पे है, तो खेड़ा ताल देहरादून में है, खेड़ा ताल उत्तराखंड में देहरादून में है। और खेड़ा ताल क्या है, जैव विविधता विरासत लिया हुआ है बहुत सारा, आप देख सकते हैं। नंदी कुंड, नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। यानी कि दूनागिर ग्लेशियर, दूनागिर ग्लेशियर चमोली में है, दूनागिर ग्लेशियर। जैसे ग्लेशियर का नाम देखा जाए, पिथौरागढ़ में कौन कौन ग्लेशियर है, और बागेश्वर में कौन कौन सा ग्लेशियर है, ठीक है, अल्मोड़ा में कौन कौन सा ग्लेशियर है, उत्तरकाशी में कौन कौन सा ग्लेशियर है, तो ये आपको थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे पिथौरागढ़ में मिलम, काली, नामिक, सोना, पिनोर, म्यूल, बहुत सारे, उत्तरकाशी में यमुनोत्री, गंगोत्री, बंदरपूछ है, चमोली में दूनागिरी, हिपरावरक, बद्रीनाथ, समोपते सबरे है, ठीक है। तो आगे, निम्न में से कौन सा युग्म का चयन सही है, तो इसमें देखा जाए इस तरह से क्वेश्चन में, क्या रूप कुंड, रूप कुंड अभी देखा जाए, रूप कुंड हेमकुंड दोनों चमोली में है भैया, रूप कुंड भी चमोली में, हेमकुंड भी चमोली है। लेकिन अगर देखा जाए खेरा ताल ए उधम सिंह नगर में नहीं है, ठीक है, तो यानी कि ए और बी दोनों मैच है, ठीक है। आगे चलते हैं, रामबाड़ा, सोनप्रयाग, तिलवाड़ा किस नदी के किनारे पर है, तो रामबाड़ा, सोनप्रयाग, तिलवाड़ा किस पे है, तो मंदाकिनी नदी पर स्थित है, ठीक है। निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन है, निम्न में से उत्तराखंड के सबसे पुरानी नगर कौन सा है, ऊपरी गंगा है, अपर गंगा नहर है, अपर गंगा नहर, ठीक है। तो ये सारे चीजें हैं। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनंद कौन सा है, तो गंगोत्री है शायद, ठीक है, तो गंगोत्री है सबसे फेमस, ठीक है। और सबसे बड़ा, निम्न में से कौन सा एक पंच प्रयाग में सम्मिलित नहीं है, पंच प्रयाग में सम्मिलित नहीं है, तो पंच प्रयाग में सोन प्रयाग नहीं सम्मिलित है, ठीक है। इसके बाद, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया, तो उत्तराखंड में तो यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर को दिया जाता है, यानी कि नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगोत्री ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा कब दिया गया, 2017 में। और गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत तिब्बत सीमा से लगे क्षेत्र में स्थित है। यह ग्लेशियर देखा जाए 30 किलोमीटर लंबा है और 2 से 4 किलोमीटर तक क्या है चौड़ा है, ठीक है। उसके बाद, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन है, तो मेधा पाठक, बहुत पूर्व पाठक को
पाटकर है, मेधा भाटकर ही, नर्मदा बचाओ का आंदोलन है, और 1 सितंबर 1950 फोर को हुआ था यार उनका जन्म, और सामाजिक एक कार्यकर्ता है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर भी को जाना जाता है। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे कृषि और पशुपालन से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं, कृषि एंड तथा पशुपालन, पशु पालन, कृषि और पशुपालन से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कृषि और पशुपालन से रिलेटेड, तो इसको कर लेते हैं। देखा जाए इन 1843 ईस्वी में पौड़ी है गडोलरिया में चाय बागान की स्थापना किसने की थी, बहुत फेमस है, यानी कि इन 1843 एडी हु एस्टेब्लिश्ड दैट टी गार्डन पौरी एंड गडोलोरिया। तो किसने किया था, कैप्टन हडलस्टन ने किया था, पहला ही ऑप्शन इसका सही है, कैप्टन हडलस्टन ने किया था, कहाँ पे, चाय बागान के गडोलोरिया में और पौड़ी में और गडोलिया में किया था। नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड द फादर ऑफ बीज बचाओ आंदोलन, उत्तराखंड के यानी बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो यानी कि ये माना जाता है विजय जड़धारी को माना जाता है, विजय जड़धारी बी, और विजय जड़धारी जो मतलब गढ़वाल से के गांव से थे, और इन्होंने 1986 में बीज बचाओ आंदोलन का शुरुआत किया था, मतलब कि बीज बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक बीजों का संरक्षण करना था और कुछ निश्चित बीजों को बोकर व्यवसायीकरण करने का विरोध करना था, जिसे विजय जड़धारी ने मतलब कि कह सकते हैं बारानाज तकनीक यानी कि जीरो बजट खेती की भी शुरू किया था, एंड जीरो बजट खेती की शुरुआत किया था, मतलब कि विजय जड़धारी, और विजय जड़धारी टेरी गढ़वाल के थे। ठीक है, दूसरा उत्तराखंड स्टेट प्लांट कल्टीवेशन फॉर बायोडीजल, बायोडीजल के लिए कौन सा, यानी कि बायोडीजल है तो उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है, तो बायोडीजल आप जाने रहे हैं जेट्रोपा फेमस है, तो यही किया जाता है, यानी कि जेट्रोपा बायोडीजल के रूप में यूज किया जाता है, और जेट्रोपा पौधा ऊसर बंजर शुष्क और आर्द्र शुष्क में ज्यादा अच्छे से उगता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि कहलाती है, अन एरीगेटेड फर्टाइल लैंड इज कॉल्ड, तो आप जानने लें अन एरीगेटेड फर्टाइल लैंड को क्या बोला जाता है, तो उपराउ उबल यानी कि अप प्रोन अबॉल बोला जाता है, तो यही बोला जाता है उत्तराखंड में, उपराउ अव्वल कहता है, उपराउ अव्वल यानी कि उपराउ अव्वल एक असंचित भूमि ऊपरी भाग होता है जिसमें दो भागों में बांट सकते हैं, उपराउ अव्वल और दोयम। और उसके बाद देखा तलाव है, तलाव वाला भाग, तलाव मतलब भूमि जहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था रहता है, और इसका मतलब देखा जाए भूमि उपराओं से 3 गुना ज्यादा, इसमें 3 टाइम उपराओं से ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और टैलोन तलाव वाला भूमि, तलाव वाला भूमि तो मतलब उपराओं के नीचे तलाव हो जाए, इसमें एक और होता है इजरान होता है जो वनों के किनारे होता है, रिपर होता है और पथरीला होता है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड में सार पद्धति भी संबंधित है, उत्तराखंड में सार सिस्टम इज उत्तराखंड एसोसिएटेड विद सार, तो इसमें क्रॉप रोटेशन को ही सार, फसल चक्र प्रणाली को ही सार पद्धति बोला जाता है ये। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीकल्चरल अपरेटस इन उत्तराखंड, ठीक है, तो इसमें देखा जाए यानी कि कर्बोजा, कर्बोजा हमारे पास इसमें नहीं है, बाकी कुटला है, हल है, माया है, ये सारा। ठीक है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, तो इसमें देखा जाए कृषि और पशुपालन,
उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका स्रोत पशुपालन, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ज्यादातर यही लोग करते हैं कृषि और पशुपालन। 90% लगभग लोग, उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि ही है, आप जान ही रहे हैं। 90% लोग ज्यादातर कृषि करते हैं। उत्तराखंड में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, इसमें 90% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो इसमें कह सकते हैं कि ये हमारे पास आसान स्पष्टीकरण भी सही है। जैव कृषि, ऑर्गेनिक या बायो फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया? तो जैव राज्य घोषित कौन? उत्तरांचल ने किया, उत्तराखंड। ही पुराना क्वेश्चन है इसलिए, क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिक चाय और ये सब बहुत सारे होते हैं। उत्तरांचल में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह, तो महत्वपूर्ण समूह आप जान ही रहे हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, मड़ुआ हो गया, आलू हो गया, ये सबसे पुराना है। मड़ुआ देखा, यूके को सप्लाई किया जाता है यहाँ पे, यहाँ से। तो आप ये सारा जान। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई भाग में पाया जाता है। अगर हम बालू हटा देते हैं तो वहां से पानी निकलने लगता है, उसे हम लोग पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। ज्यादातर ऊधम सिंह नगर वगैरह क्या है, तराई क्षेत्र है, तो वहां से निकलता है। निम्न में से दुग्ध उत्पादों का कौन सा ब्रांड उत्तराचल से संबंधित है? तो दुग्ध मतलब ब्रांड जो कौन सा, आंचल। आंचल क्या है? एक ब्रांड है जो मतलब बेसिकली दूध दूध से रिलेटेड है, जैसे अमूल वगैरह, ऐसे यहाँ पे एक आंचल है, आंचल। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है, तो बेसिकली महिला कर्मचारियों द्वारा ये कराया जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा महिला व्यक्तियों 60% करीब क्या है, यही काम करते हैं, ठीक है, यानी कि महिलाओं का योगदान ज्यादा है। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली मतलब कि जमीन को कितना बोला जाता है, मतलब जमीन का वहां पर नाली बोला जाता है, एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? तो अगर देखा जाए यहाँ उत्तराखंड में, यानी कि देवभूम पहाड़ों पे बेसिकली जो माप तौल होता है, देवभूम यानी कि उत्तराखंड, तो उसमें 16 अरब मुड़ी बोला जाता है। 16 मुड़ी बराबर एक नली, ठीक है, और एक नली बराबर 240 गज, ठीक है, और एक नली, ये भी नाली बराबर 240 गज, और एक नाली बराबर कह सकते हैं 2160 स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट, ठीक है। और इसमें देखा जाए एक नाली बराबर, अगर हम लोग एक नाली और देख लेते हैं, नाली इक्वल टू कह सकते हैं 2 2 सौ दशमलव 6 स्क्वायर मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि 20.16 नाली नाली बराबर 1 एकड़, और कह सकते हैं 49.8 नाली बराबर 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर, ठीक है। तो ये आपको सारा है, यानी कि 16 16 मुड़ी एक नली के बराबर, एक नली 240 गज। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि मतलब कि बेसिकली वर्ग मीटर कितना है, तो वही वर्ग मीटर क्या है, 200 के करीब हो जाएगा, यही वर्ग मीटर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। उत्तरांचल में कृषि भूमि नापने का पैमाना, उत्तरांचल में कृषि भूमि नापने का पैमाना नाली और मुट्ठी है, कृषि भूमि नापने का पैमाना नाली और मुट्ठी है। तो आगे चलते हैं, इसमें उत्तरांचल में कृषि योग्य भूमि है लगभग, उत्तरांचल में कृषि योग्य भूमि 13% है, ठीक है, 13% ही कृषि भूमि, 90% पॉपुलेशन देखा गया। आगे चलते हैं, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो ये ऋषिकेश में है। अगर देखा जाए उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, पशुधन
बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र इसी केस में है। अगर मुख्यालय बोला जाए, मुख्यालय, तो ये क्या यहाँ पे हो जाएगा, आपका मुख्यालय देहरादून में, देहरादून में। आगे, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल, तो देखा जाए सर्वाधिक क्षेत्र पे तो गेहूं ही बोई जाती है, लगभग 33% क्षेत्रों पे गेहूं ही बोया जाता है। अगर गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी मित्र हैं, यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। सही है, दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है, तो अगर देखा जाए तो अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा तो यह वीट है, लगभग 33% के एरिया में उत्तराखंड के बोया जाता है, जो 13% भूमि का है। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे, यानी कि तिहाड़ कहा जाता है, तिहाड़, ठीक है, यानी कि फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार को हिस्से को तिहाड़ भी बोला जाता था। आगे, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थित है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है, और एक कब बना, फरवरी 2004 में बना, ठीक है। वर्तमान मुख्यालय उत्तराखंड ग्रीष्मकालीन राजधानी गौरीशरण स्थान नामांतरित कर दिया गया है इसे, यानी कि वर्तमान में इसके मुख्यालय यानी कि चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, अल्मोड़ा, मतलब राजधानी गैर सैंड में स्थापित कर दिया। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती की गई, सर्वप्रथम, तो देखा खेती बेलाडोना, बेलाडोना उत्तराखंड में सर्वप्रथम बेलाडोना नामक औषधि पौधे की खेती की गई थी, और यह पौधा हिमालय में 6 से लेकर 12 हजार फीट ऊंचाई तक पर पाया जाता है। इस पौधे का संपूर्ण भाग जहरीला होता है, जिसका कारण इसमें एट्रोपिन नामक एल्कोलाइड होता है। बेलेडोना मतलब बेसिकली नर्वस सिस्टम के लिए यूज किया जाता है बेलेडोना। चमोली जिले को नौटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए जाना जाता है, चमोली जिले को नौटी क्षेत्र किस, यानी कि ऑर्गेनिक चाय के लिए नौटी क्षेत्र, और ये बेसिकली 170 हेक्टेयर, हेक्टेयर मतलब भूमि पे वर्तमान में चल रहा है। उत्तराखंड में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, तो भैया उत्तराखंड में मालवारी भी होता है, टसर भी होता है, मूगा होता है, ठीक है, ये तीनों होता है। रेशम मजारी नाम से भी इसको बोला जाता है प्रारंभिक में, तो उपरोक्त सभी का है, मतलब कि मलवारी, टसर, मूगा सारे होता है। अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक कौन थे, तो बोसी सेन है, कौन है, बोसी सेन, विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक बोसी सेन है, ठीक है। और अल्मोड़ा में बेसिकली विवेकानंद कृषि अनुसंधान के संस्थापक बोसी सेन थे। निम्न में से कौन उत्तराखंड की एक प्रमुख नगदी फसल है, तो नगदी फसल देखा जाए तो उत्तराखंड में एक प्रमुख नगदी फसल गन्ना है, और फल भी है वहाँ के, जैसे मान लीजिए जूट, कॉफी, कोना, गन्ना, केला, संतरा, कपास, ये भी सब नगदी फसलों के रूप में आता है, लेकिन मुख्य पूछ रहा है प्रमुख तो गन्ना आ जाएगा। निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है, तो गेहूं ही सबसे ज्यादा बोया जाता है, हम लोग पढ़े थे। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया, तो ये 1972 में किया गया था, जीबी पंत यानी गोविंद बल्लभ। तो बेसिकली अगर देखा जाए यह यूनिवर्सिटी जो है बहुत पुरानी है, यानी कि 70 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम पर किया गया, ठीक है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, और
और 1972 में इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर, गोविंद वल्लभ पंत यानी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। और ये बेसिकली देखा जाए ग्रीन जो हमारे पास हरित क्रांति की थी तो उसमें बहुत प्रमुख रोल भी पैदा किया था। तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? गन्ने उत्तराखंड के बाद है ऊधम सिंह नगर नीचे वाले पार्ट में, क्योंकि तराई भाग है तो वहां पे ज्यादा गन्ना और राइस होता है। उत्तराखंड राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा? सबसे कम तो रुद्रप्रयाग सबसे कम कृषि भूमि वाला। निम्न में से किस उत्तराखंड के किस जनपद से बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी? अभी हम लोग पढ़े थे बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत ऊपर, तो देखा जाए ये टेहरी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल के ही थे वो। ठीक है, अभी हमने नाम बताया था, आप नाम बताइए। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया, प्रथम डेयरी तो हल्द्वानी में किया गया था, यानी कि 1949 में उत्तराखंड में नैनीताल यानी हल्द्वानी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का गठन किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समिति गठित करते हुए दुग्ध उत्पादकों को वर्ष पर्यंत दूध वितरण और उचित व्यवस्था सुनिश्चित नगरीय उपभोक्ताओं के लिए किया गया। ठीक है, डेयरी विकास का डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ पे इसके बाद देखा जाए उत्तराखंड राज्य के प्रमुख बांध, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख बांध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख बांध, ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य के प्रमुख बांध कौन कौन से है? ये भी जियोग्राफी से रिलेटेड है, तो जियोग्राफी वाला पोर्शन हम लोग कर रहे थे। तो पहले देखा जाए यहाँ पे उत्तरकाशी में कौन कौन से बांध है, सबसे इम्पोर्टेंट मनेरी बांध है, पाल बांध है, ठीक है, ये उत्तर काशी में है। उसके बाद देहरादून ये वाला भाग है, इचारी है बांध, किसाऊ बांध है, ठीक है, उसके बाद टेहरी गढ़वाल है, टेहरी गढ़वाल में टेहरी बांध है, कोटेश्वर बांध है, ये हरिद्वार में ऐसा कोई नहीं, पौड़ी में राम गंगा बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पिथौरागढ़ में धौली गंगा बांध है, पिथौरागढ़ में। और इधर देखा जाए नैनीताल में बहुत सारे यानी कि जमरानी बांध है, भीमताल बांध है, और ऊधम सिंह नगर में तुम्हार यह बांध है, नीचे वाला पार्ट है ना ये वाला, तो ऊधम सिंह नगर वाला बहुत सारे, तुम्हारिया बांध है, नानक सागर बांध है, हरिपुरा बांध है, बौर बांध है, बैगुल बांध है, दौरा बांध है, ये सारे बांध ऊधम सिंह नगर में है। तो यहाँ पे किस नदी पर उत यासु जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल रहा है, पहला किस नदी पे उत यासु जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो उत यासु जल परियोजना अलकनंदा नदी पर स्थित है और बेसिकली देखा जाए 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की यहाँ पे संभावना रहती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट मैच कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ छिबोरी जल विद्युत परियोजना टोंस नदी पे है, छिबोरी बात सही है, छिबोरी जल विद्युत परियोजना टोंस नदी पे है, मनेरी वाली जल विद्युत परियोजना भागीरथी पे है, सही है। और देखा जाए इसमें ब्यासी जल विद्युत परियोजना पिंडारी नदी पे है, पिंडारी नदी पे ब्यासी जल विद्युत परियोजना नहीं है, यह विकास नगर के निकट लोहरी यमुना नदी के पर है, यानी कि यमुना नदी है, यमुना यमुना नदी के तट पे है यमुना नदी, ठीक है, और लखवाड़ जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पे है, ये सही है, यानी कि सी इसमें ऑप्शन है यही गलत है। उसके बाद टेहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ, बहुत पुराना बांध है और सबसे हाइट पे यानी कि टेहरी बांध है, तो इसका 1978 में 1978 में यानी 1978 में शुरू, उत्तराखंड टेहरी जिले में भागीरथी और भीलगन्ना नदी के संगम पर बने टेहरी बांध निर्माण 1972 में स्वीकृत मिली थी। वर्तमान में टेहरी बांध 9 राज्यों को बिजली प्रदान करती है, जबकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पेयजल और सिंचाई के लिए भी
पानी उपलब्ध कराता है टिहरी बांध, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। उसके बाद कब हुआ था, 1978 AD में, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए हाइट ऑफ द टिहरी डैम, हाइट भी बहुत इससे ऊंचा है, यानी कि 260 मीटर है, यानी कि लगभग कह सकते हैं 261 मीटर ऊंचाई, 575 लंबाई के साथ टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा बांध हीरा कुंड बांध है, सबसे ऊंचा टिहरी बांध है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा जानना है। और इसका निर्माण 78 में प्रारंभ हुआ और 2006 में पूरा हुआ, 1978 में शुरू हुआ, 2006 में पूरा हुआ। बाप रे दादा, बहुत लंबा टाइम। उसके बाद देखा जाए कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया, तो भागीरथी नदी पे कोटेश्वर बांध का, यानी कि भागीरथी अलकनंदा से मिलता तो बगा बनता है गंगा नदी, कहाँ पे, देवप्रयाग पे, ठीक है। उसके बाद देखा जाए यानी कि माता टीला बहुउद्देशी परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है, एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर माता टीला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सिचुएटेड, तो बेसिकली बेतवा नदी, यानी कि माता टीला बहुउद्देशी परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बेसिकली एक संयुक्त क्या है, परियोजना है। उत्तरांचल में निर्माणाधीन टेहरी बांध, ठीक है, भागीरथी नदी पे टेहरी बांध, ठीक है। उसके बाद टेहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सी एक सही नहीं है, टेहरी से संबंधित, टेहरी क्योंकि बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह टेहरी राज्य भारतीय गणराज्य 1949 में सम्मिलित हुआ था, सही है। टेहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 प्रस्तावित किया जा 1978 में स्टार्ट हुआ और 2006 में पूरा हुआ, ठीक है। टेहरी बांध भागीरथी को निगल लिया, नदी को निगल, ऐसा नहीं है, निगल नहीं लिया, ये गलत है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, यही सही हो गया। तो विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काट कर एक मंडल के रूप में बना दिया गया, सही है, ये सब सही है। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, यानी कि पंचेश्वर मल्टीपर्पज परियोजना, पंचवेश पी यम पी, दो देशों के मध्य परियोजना है, इसमें एक भारत और दूसरा देश कौन सा है, तो दूसरा देश नेपाल है, यानी कि पंचेश्वर बहुउद्देशी परियोजना भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण उत्तराखंड के कहाँ पे है भैया, चंपावत, चंपावत जिला में, चंपावत जिले में, ठीक है। काली नदी पे, किस नदी पे, काली नदी पर किया जा रहा है, और इस बांध की ऊंचाई देखा जाए 315 मीटर है। इस बांध के निर्माण के कारण पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों के जलमग्न होने की आशंका है, ऐसा ये डीमेरिट है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन है, तो टिहरी जल विद्युत परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है, दो तो तीन चरणों में चल रहा है भैया। कोटेश्वर बांध किस नदी पर सर्वस्थित है, कोटेश्वर तो भागीरथी नदी पे है, कोटेश्वर डाउन स्ट्रीम। कालागढ़ बांध का निर्माण किस पे है, कालागढ़ बांध राम गंगा नदी पर है, ठीक है। लखवाड़ बांध किससे रिलेटेड है, यमुना नदी पर है, यानी कि यमुना नदी पर क्या है, लखवाड़ क्या है, बांध यमुना नदी पे है, यमुना नदी। पंचेश्वर बांध का निर्माण किस नदी के संगम पर है, प्रस्तावित सी सरयू और काली के नदी पे सर। टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ, तो बेसिकली 2006 में पूरा हो गया था, 2006 में ही क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। आसान बैराज का निर्माण किया गया, आसान
यानी कि 1967 में, और आसान बैराज उत्तर भारत के दून घाटी में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में सीमा क्षेत्र पर एक बैराज है। इसका निर्माण 1967 में स्टार्ट हुआ और 21 जुलाई 2020 को विश्व धरोहर में से शामिल हो गया। ठीक है, आसान बैराज तो ये फेमस है। ठीक है, 2020 को कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता, कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसमें 400 मेगावाट है कोटेश्वर बांध की। और कोटेश्वर बांध बेसिकली टेहरी जिले में टेहरी बांध के 22 किलोमीटर नीचे और भागीरथी नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह बांध टेहरी जल विद्युत परिसर का हिस्सा है और यह परियोजना 2000 में मंजूरी मिली थी और 2011 से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद देखा जाए, क्वेश्चन मिल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना, विष्णु गार्ड पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई? तो ये बेसिकली अलकनंदा नदी पे है, यानी कि भारत के उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर उच्च डीसी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, द्वारा विकसित की जाने वाली विष्णु गार्ड पीपली कोटी जल विद्युत परियोजना के स्थान के लिए विश्व बैंक से अनुरोध लिया गया था और अलकनंदा का उद्गम उत्तराखंड के सतोपत ग्लेशियर से होता है। यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है और देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाता है। इसके बाद इसे गंगा नदी कहा जाता है। आप जानते हैं यह प्रमुख सहायक नदी है मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडारी वगैरह है, अलकनंदा आंसर इसमें हो जा रहा है। उसके बाद निम्न में से उत्तराखंड के रन अप द रिवर परिकल्पना पर आधारित अपने ढंग की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये क्या है, टिहरी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए, कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया? कोटेश्वर बांध किस नदी पे? तो भागीरथी नदी पे, कोटेश्वर बांध भागीरथी। दूसरा, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? टिहरी बांध किस नदियों के, यानी कि भागीरथी यानी कि भीलकन्ना नदी क्या है? उसके बाद निम्न में से कौन सी एक सहायक सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखा जाए, लोहारी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी में सही है, विष्णु प्रयाग परियोजना जो देखा जाए तो रुद्रप्रयाग में नहीं है, ये बेसिकली चमोली में है, चमोली यानी कि अलकनंदा नदी पे है बेसिकली विष्णु प्रयाग परियोजना, तो रुद्रप्रयाग यहाँ गलत हो गया। तो मनेरी भाली परियोजना उत्तराखंड असी में है। उसके बाद सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में है, ये सही है। उसके उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो रुड़की में सिंचाई अनुसंधान संस्थान है, ये आप जानते हैं। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है, और टिहरी विद्युत परियोजना 1000 मेगावाट का है। ठीक है, और सब बहुत छोटे छोटे हैं। किसाऊ बांध, किसाऊ बांध किस नदी पे है? तो टोंस नदी पे है, टोंस नदी पे किसाऊ बांध है। और इसमें जो परियोजना है तो अगर पूरा हो जाता है 660 मेगावाट का बिजली देगा। हाइड्रो पावर संस्थान अगर देखा जाए, टिहरी उत्तराखंड में स्थापित है, टिहरी में हाइड्रो पावर संस्थान। कोटेश्वर डैम में किस नदी पे है? कोटेश्वर डैम, कोटेश्वर डैम तो भागीरथी नदी पे है। ठीक है, उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस परियोजना का शिलान्यास किया था? तो बहुत फेमस यमुना वैली जल विद्युत परियोजना प्रथम चरण का शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद निम्न में से नानक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नानक सागर बांध ऊधम सिंह नदी पे स्थित है। ठीक है, किसाऊ बांध किस नदी पे है? किसाऊ
किसाऊ बाग टोंस नदी पे है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, टीरे हाइड्रो लिटिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो था, सन स्थापित हुए सन 1988 में स्थापित हुआ। ठीक है, तो आगे देखा जाए, उत्तराखंड जल विद्युत परियोजना लिमिटेड स्थापित हुआ, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उत्तराखंड जल विद्युत परियोजना जो स्थापित हुआ 12 फरवरी 2001 को अस्तित्व में आया, और इसका नाम बदल के उत्तराखंड जल विद्युत परियोजना लिमिटेड रख दिया गया तब 2007 में। यानी उत्तराखंड जल विद्युत परियोजना लिमिटेड पहले उत्तरांचल जल विद्युत परियोजना था, अब उत्तराखंड हो गया, क्योंकि पहले उत्तराखंड को क्या बोला जाता था, उत्तरांचल ही बोला जाता था। तो यहाँ पे 12 फरवरी 2001, तो इसमें से कोई नहीं है, तो यही आंसर नानाब जगह हो जाएगा। अब देखा जाए, इसके बाद हम लोग करेंगे उत्तराखंड राज्य के प्रमुख उद्योग। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।